सो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करते हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आज की वीडियो होने वाली है इंस्टाग्राम पर। तो गाइज, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देख लीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप सबको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइज, अगर आपने भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पर मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे एक पासवर्ड से दोनों अकाउंट का कंट्रोल करूं, तो आज की वीडियो उसी के बारे में है गाइज। वो सेटिंग आप किस प्रकार से करेंगे, आप अपने एक अकाउंट के पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो आप अपने दूसरे अकाउंट में भी लॉगिन हो पाएंगे। तो गाइज, उस सेटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। उसके लिए गाइज, आपको ये नीचे की तरफ प्रोफाइल का जो आइकन शो होता है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइज, राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको ये तीन लाइनें शो होती है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद गाइज, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइज, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, सेटअप मल्टी लॉगिन अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। रमन और अमित, गाइज देखिए, मेरे पास ये दो अकाउंट हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों अकाउंट को मैं एक पासवर्ड से कंट्रोल करूँ ताकि जब भी मैं एक पासवर्ड से इसको लॉगिन करूँ तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक ही इसमें लॉगिन हो जाए। तो गाइज, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसके पासवर्ड पर आप दूसरे को अटैच कर पाए। तो गाइज देखिए, अगर आप अमित वाले को सिलेक्ट करते हैं तो इसके पासवर्ड से आप रमन वाले को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रमन वाला सिलेक्ट करते हैं तो आप इसके पासवर्ड से अमित वाले अकाउंट को कंट्रोल कर पाए। उसके लिए आपको यहाँ से कोई भी अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, मैं ये नीचे वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से सिक्योरिटी रिमाइंडर का ऑप्शन आ जाएगा। एनीवन हु कैन लॉग इन टू अमित विल हैव एक्सेस टू रमन। ये बोल रहा है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे अमित की आईडी पर तो आप एक्सेस पाओगे रमन की आईडी पर भी। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है और ये देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन अपडेटेड। तो गाइज, आप देख लीजिए, नाउ लॉगिंग इन विद अमित विल आल्सो लॉग यू इन टू रमन, यू कैन मैनेज यूर लॉग इन इन सेटिंग। तो आपको यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद गाइज, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं इस आईडी को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये अमित और जो ये रमन वाली आईडी थी, मैंने इनको यहाँ से लॉग आउट कर दिया है। अब मैं देखिए सिर्फ इन दोनों में से किसी भी आईडी को लॉग इन करूंगा। देखिए, मैं रमन वाली को कर देता हूँ। तो गाइज, आप यहां पर जाके देख पाओगे, ऊपर की तरफ नीचे सेटिंग में जाओगे और आप यहां से मल्टी लॉगिन अकाउंट्स यहां पर पा जाओगे। आप यहां से देख सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको यहां से रिमूव भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा ये अमित वाला अकाउंट भी यहां पर लॉगिन है, अगर आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो मेरे को आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।